हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो। हाँ मैडम जी, गुड आफ्टरनून सर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून विवेक जी, बात करें मैडम? क्या विवेक जी बात करें? विवेक? हाँ मैडम। मैडम बताए मेरी आवाज ऐसी क्यों हो गई? क्यों हो गई सर? मैडम मेरी बीबी ने मुझे बहुत मारा बेलन सर। ऐसा हो ही नहीं सकता सर, हम लड़कियाँ किसी को नहीं मारते। मैडम झूठ बोल रहे हो आप, मेरी गाली भी मारते सर। मैडम मेरी गाली बहुत डेंजरस है, अभी बेलन से मारा मैडम, सीधे बेलन फेंक के मारा उसने। अच्छा जी, तो आपने वैसा कुछ काम किया होगा ना, गुस्सा दिलाया होगा अपनी बीबी को? नहीं मैडम, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था, मैंने बस अपनी गर्लफ्रेंड से बात की थी। तो ये गलत बात नहीं है सर? तो मैडम ऐसा भी होता है बेलन फेंक के मारते हैं? बात कर रहे क्या मैडम? ऐसा होता है बेलन फेंक के मारते हैं? सर मैं होती तो कुछ और से मारती हूँ। मैडम क्या मारती है आप? मैडम की आप हमारे से किसी और से बात कर रहे हैं ना। मैडम क्या मारती? चप्पल। मैडम चप्पल फेंक के मारती? ये पर्सनली बात तो मुझे मैडम पता है। मैडम पता है मैं ऐसे ही मर गया, मैं आपके मारने से पहले, आपकी आवाज इतनी प्यारी है, आवाज से ही मर गया। वो आके आपकी बीवी सुन लेगी तो आपको कौन मारेगी सर? मैडम अभी तो मैं कहीं और हूँ ना, वैसे मैडम बहुत ही जोर से फेंक के मारा था उसने बेलन, मैं गर्लफ्रेंड से तो बात की थी, लेकिन आप तो मैडम एडवांस लेवल की, आप तो चप्पल फेंक के मार रही हूँ। मैं जैसे बोल दिया, मैं जाप में सॉरी बट कर रही है, कार्ड की पेमेंट नहीं कर रहे हैं आप? मैडम कर लेंगे, कर लेंगे कार्ड की बात। कितने? अभिषेक राज बात कर रहे हो ना सर? हाँ सर, कैसी फाइनेंस से बात कर रहा हूँ। अच्छा बताइए सर, कैसी का ईएमआई आपने पे नहीं किया है? यार मेरे पास ना थोड़ा फंड इशू है, पेमेंट अभी कर नहीं पाऊंगा। कभी कभी होगा सर, लास्ट मंथ भी आपने पे नहीं किया है? यही कुछ 2 से 4 महीने लग जाएंगे। 2 से? मैं कह रहा हूँ यही कुछ 2 से 4 महीने। 2 से 4 महीने? हाँ। क्यों सर इतना टाइम? पैसा ही नहीं है ना, फंड इशू हुआ, जॉब लैंस भी हो गया। सर आपने अपने अपने लोन लिए है ना, तब से एक भी ईएमआई नहीं दिया है। अरे यार जॉब लेस हो गया, जॉब लेस। अरे सर जॉब लेस हो तो एटलीस्ट थोड़ा घर का तो सब चला रहे हो ना, जॉब लेस हो तो ना ऐसे बैठे रहे हो। घर का खर्च तो यार उधार ले लेके चला रहा हूँ, दुकान से 1 लाख का उधार हो गया जिससे मैं लेता हूँ सामान। वो सर वो कैसा भी आप मैनेज कर रहे हो ना घर के खर्चे के लिए? तो यार दुकान से सामान लेता हूँ, पैसे नहीं लेता, सामान लिखवा देता हूँ, 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया उसका दुकान वाले का। अरे तो फिर सर जैसा घर का खर्चा चला रहा हो ना, इधर से उधार सुनाई कम दे रहा है, दुकान वाले से पैसे नहीं लेता, सामान लेता हूँ, सामान लिखवाया, सामान 1 लाख रुपया, पैसे नहीं लेता उससे, मैनेज कैसे करूँ? सामान लेगा, आटे का कट्टा भेज दू वहाँ पे, आटे का कट्टा, चावल का कट्टा, चीनी की बोरी भेजू कैसा भी करके? अरे मैं कह रहा हूँ वहाँ पे बैंक में, वहाँ पे कैशी में आटे का कट्टा, चीनी का कट्टा, बोरी भेज दू। क्या क्या बोरी भेज दू? आटे का कट्टा, चीनी की बोरी भेज दू। ऐसा लिया था क्या कैशी की तरफ से आटे का कट्टा लिया था? मैं तो लौड़ू समझना बात को कहने का चाहता हूँ। गाली मत दो, गाली मत दो, आपके साथ अच्छे से बात करो, अच्छे से बात करो। नहीं ऐसे नहीं दूंगा मैं, पहले तेरी बहन से शादी करूंगा फिर दूंगा। गाली हमें भी आती तो दे दे फिर, कस्टमर हो इसलिए गाली नहीं दे रहे हमको। तो फिर क्या कर लेगा? गाली हमें क्या कर लेगा फिर? अरे क्या कर लेगा? आपने आपने लोन लिया है? लोन लिया था, लोन लिया था तेरी बहन से शादी करने के लिए, उसने मना कर दिया। हाँ ठीक, करवा रहा है, करवा रहा है अपनी बहन से विवाह? नहीं नहीं आपकी बहन के साथ करो ना, तेरी बहन है ना, इसके साथ करना। दे दे नंबर, तेरी है ना, टीएल का डंडा जो घुसा पड़ा वो निकाल ले, फिर बात करियो तू। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज शुभ, आई एम स्पीकिंग विद मिस्टर सतीश शर्मा। क्या? आई एम स्पीकिंग विद मिस्टर सतीश शर्मा। हाँ बताइए, मिस्टर सतीश शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ मैं सेनाचल बैंक की दिया से बात कर रहा था, ये कॉल ट्रेनिंग एंड क्वालिटी के लिए रिकॉर्ड हो रहा है, और मिस्टर सतीश ये आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट रिगार्डिंग कॉल है, आपका क्रेडिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर 8182 राइट? मुझे ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुब्रत है, बताइए। क्या? सुब्रत बताइए। सुब्रत? नहीं सुब्रत हो। सुब्रत हो, हाँ। ये जो है ना पेमेंट अभी हो नहीं पाएगा,
ठीक है मिस्टर शर्मा, आप प्लीज एक बार डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कीजिए अकाउंट सिक्योरिटी के लिए। डेट ऑफ बर्थ मैं भूल गया, डेट ऑफ बर्थ आप अपना डेट ऑफ बर्थ भूल गए? हाँ यार डेट ऑफ बर्थ भूल गया। तो मैं आपको कौन से टाइम पे कॉल बैक करने से आप अपना डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर पाएंगे? डेट ऑफ बर्थ तो देखो मैं जो है ना रात को 10 बजे, जब रात को 10 बजे याद रहता है जब मैं पी लेता हूँ तब पूछ लिया। मिस्टर शर्मा आप क्या बोल रहे हैं, ये प्रोफेशनल लैंग्वेज, ये प्रोफेशनल लैंग्वेज, रात को 10 बजे याद रहता है मुझे डेट ऑफ बर्थ, रात को 10 बजे पूछ लिया। क्यों 10 बजे के पहले क्या होता है? 10 बजे के पहले याद ही नहीं रहता, 10 बजे ही याद रहता है जब मैं पानी पीता हूँ अपना। मिस्टर शर्मा मैंने आपको पहले ये बोला कि ये प्रोफेशनल कॉल है, प्रोफेशनल लैंग्वेज से बात कीजिए। भाई पानी की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा जो है ना दिमागी रूप से पानी की बात कर रहा हूँ, पानी मुझे ना बीमारी है थोड़ा, याददाश्त कमजोर है मेरी, तो वो मैं अपनी जब दवाई वाला पानी पीता हूँ तब याद आता है मुझे। एक्चुअली मिस्टर शर्मा आज आपका पेमेंट का ड्यू डेट है इसीलिए आपके पास कॉल गया है। हाँ ड्यू डेट तो मैंने बता दिया, पेमेंट हो नहीं पाएगा अभी। क्यों क्यों क्या क्या प्रॉब्लम है, पेमेंट क्यों नहीं होगा? पेमेंट ये नहीं होगा, थोड़ा फंड इश्यू चल रहा है। हाँ पर आज तो आपका ड्यू डेट है ना, तो आज की डेट पे तो आपको एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट तो पेमेंट करना पड़ेगा। पैसा ही नहीं, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी भूल गए, कंफर्म नहीं कर पाएंगे। वो मैं रात को जब दवाई वाला पानी पीता हूँ तभी याद आता है, मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है, बीमारी है मुझे। ठीक है आप अपने हिसाब से कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, धन्यवाद। सॉरी पर मैं जो है ना मूल्यवान समय देने के लिए आपको सुबह क्या मुझे कॉल डिस्कनेक्ट करने ही नहीं आता। ठीक है कस्टमर की तरफ से कॉल को डिस्कनेक्ट ना करने के लिए मैं कॉल को डिस्कनेक्ट कर रहा था, धन्यवाद चाचा को मूल्यवान समय देने के लिए आपको दे। गुड मॉर्निंग मिस्टर समित, ट्वीट से बात कर रहे हैं आप? क्या मैडम आप मिस्टर समित मित्र बात कर रहे तो? हाँ यस यस मैडम। हाँ मैं आईसीआईसीआई बैंक की व्यवस्था अनिता बात कर रही हूँ सर, कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज से रिकॉर्ड किया जा रहा है। मिस्टर मिश्रा आपको कॉल किया गया है, आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट रिगार्डिंग कॉल है, कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर है 7007। मैडम क्रेडिट कार्ड कौन सा बैंक का, आपने अपना नाम क्या बताया दोबारा कंफर्म करना। जी मैं आईसीआईसीआई बैंक की व्यवस्था अनिता बात कर रही हूँ, आप जो आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं 7007 कार्ड जो यूज करते हैं ना उसका पेमेंट रिगार्डिंग कॉल आपको किया गया है मिस्टर समीर मित्रा। मैडम आपका अनीता नाम है? जी बिल्कुल। अनीता बताया मैडम मेरी सास का नाम है। मिस्टर मित्रा आप बताइए आपका अभी तक पेमेंट का अपडेट क्यों नहीं आया है? मैडम मैं ना अभी थोड़ा ना उलझा हुआ हूँ। मिस्टर मित्र समझ पा रही हूँ, हर किसी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है मैडम, पर मैडम मेरी प्रॉब्लम ना बहुत बड़ी है मैडम। मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो मेरा इंटेंशन है ना मानता नहीं है। आपने फंड यूज किया है ठीक है, तो आपको टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे, आपका सिविल स्कोर भी अच्छा रहेगा और आपका जो इंटरेस्ट ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा आपको ज्यादा नहीं पे करना पड़ेगा। एक तो मैडम आपका नाम ऐसा मुझे डर लगता है, आपका नाम ऐसा मुझे डर लगता है क्योंकि मेरी बीबी है ना मुझे बेलन से मारती है, मेरी सास भी ना मुझ पर राज करती है। मिस्टर मित्रा आपको प्रोफेशनल तरीके से बैंक की तरफ से तो कॉल किया गया है, आप बताइए अभी तक आपको पेमेंट क्यों नहीं हुआ है और अभी आप पेमेंट करवाइए। मैडम पता सुबह 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 पता कितना मारा मेरी बीबी ने मुझे, बहुत मारा। आपको आपका पेमेंट रिगार्डिंग बात करने के लिए कॉल किया गया है सर, आपका पर्सनल क्या बात है वो तो आपसे करने के लिए कॉल नहीं। मैडम अभी भी दर्द हो रहा है बहुत मारा है उसने। मिस्टर मित्रा कब तक आपका पेमेंट होगा वो थोड़ा बताइए, एटलीस्ट मिनिमम अभी करवाए 23,610 रुपीज। क्या मैडम सामने वाला है अपनी बीवी से पिट गया, आप लोग कह रहे हैं पेमेंट पेमेंट पेमेंट, मैडम क्या ही बोलूं मैं आपको। मैडम इस पे ना आरटीपी डाल दो, आरटीपी डाल दो और डिस्पोजिशन में लिख दो इंटेंशनली कस्टमर इंटेंशन नोट पे। रीजन क्या है वो थोड़ा बताइए। मैडम बता दो दिया कस्टमर इंटेंशनली नॉट पे। अच्छा आप जो बोल रहे हैं ये फ्रॉड है, कितने अमाउंट कब का फ्रॉड है, कब हुआ है सर? क्या मैडम
सर आपका हर महीने का 16 तारीख को बिल। मैडम मुझे है ना आप लोगों की सर्विस अच्छी नहीं लगी। एक तो मुझे मेरी बीबी ने पीटा और आप ऊपर से मुझे कह रही हो पेमेंट पेमेंट पेमेंट। मैडम सामने वाले का हाल चाल तो पूछ रही मैडम, अच्छी नहीं लगी आपकी सर्विस। मैडम मैं पैसे नहीं दे रहा, मेरा इंटेंशन नहीं है देने का। आप पेमेंट करवा दीजिए ठीक है मैडम। आई विल नॉट पे, आई विल नॉट पे मैडम, यू अंडरस्टैंड, आई विल नॉट पे मैडम, पैसे नहीं दूंगा। 16 तारीख को बिल जनरेट होता है मैडम। मैडम मैं पैसे नहीं दूंगा। एक तो मैडम दुख रहा है मैडम, बहुत मारा उसने, बहुत मारा थोड़ा। मैडम पता है मेरी बीबी का नाम है, मेरी बीबी का, सुनो मैडम, मेरी बीबी का नाम है टीशा। वो जो है ना अभी पिछली एजेंसी में काम करती थी, वो अब नई एजेंसी में लग गई है वो। मैडम बहुत मारा है उसने। आपके आपके पास कॉल क्या गया है? आपका पर्सनल डिटेल्स क्या है क्या नहीं है वो तो आपसे पूछा नहीं जा रहा है। आपको ये पूछा जा रहा है कब तक आपको कंफर्म पेमेंट होगा या नहीं। मैडम मेरी बीबी ने टीएल एजेंसी में, तो मैडम वो जो है ना थोड़े ज्यादा पैसे कमाती है तो रोज जमाती है मैडम। बहुत मारा है आई मैडम, दुख रहा है। मिस्टर मित्रा आपको कॉल किया गया है, आपको बार बार बात बता रही हूँ, प्रोफेसर तरीके से कॉल किया गया है आपको। मैडम एक तो सामने वाला बेचारा दुख में और आप पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो ही कर रही हो। इस कॉल को डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, आपको समय देने के लिए। हेलो 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 हाँ हाँ हेलो। अरे बताइए बताइए। सो वेरी गुड आफ्टरनून, दिस इज अरुण ऑन बिहाफ ऑफ एक्सिस बैंक ऑन द कॉन्टैक्ट लाइन। हां बताइए अरुण जी। एम आई स्पीकिंग विद राजकुमार ठाकुर? हां राजकुमार ठाकुर। सर एक्चुअली द कॉल इज रिगार्डिंग फॉर अ सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड ड्यू पेमेंट। योर कार्ड नंबर इज एनीवेज 8185। इज दिस राइट एंड स्पीक टू यू? यस sir, as we are checking, you have 4 months outstanding pending on your SS credit card, sir. After the generation of the new bill on 19th of February, the total billed amount is 1,62,749 rupees, and your minimum due amount is also, sir, 1,24,632 rupees. Can you speak Hindi? Yes, sir. And sir, क्या issue आया sir आपको payment करने में? Issue बहुत छोटा सा issue है। वैसे पेमेंट किस चीज का था, कौन से बैंक का था? सर पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड का है। कौन से बैंक का है? आपका कार्ड नंबर एंडिंग है 8185। 8185 मैं पूछ रहा हूँ बैंक। बैंक सर आपका सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड जो है। सिटी बैंक ये ना मेरे पास ना अभी पता नहीं क्यों बहुत छोटी सी बात है जिसके कारण मैं पेमेंट कर नहीं पा रहा, बहुत छोटी सी बात। ठीक है कौन सी बात है? सर पता नहीं क्यों मेरा इंटेंशन नहीं मान रहा देने के लिए। क्या नहीं मान रहा? इंटेंशन देने का इंटेंशन ही नहीं कर रहा, बस यही छोटी सी बात है। और ये इंटेंशन आपका सर किस वजह से नहीं कर रहा है? पता नहीं क्यों मने करे जा रहा है, लेते समय तो हाथ आगे बढ़ा दिया, देते समय पीछे कर रहा है। सर उसका कोई रीजन तो होगा? रीजन पता है नहीं, मान नहीं रहा, मगर देते पैसे मने कर रहा है। कल इसने मुझे रीजन बताया था, पता है क्या रीजन बताया था? नहीं अगर सर मान लीजिए आपका देने का इतना मन कर रहा है पेमेंट, तो आप मन की बात सुन लीजिए अपने। अरे मन इंटेंशन मन को ही कहते हैं यार, कम पढ़े लिखे हो क्या थोड़ा? नहीं अभी आपने कहा ना मन कर रहा है लेकिन इंटेंशन नहीं हो रहा है। दिमाग बोल रहा है लेकिन मन तो नहीं कह रहा। पता है क्या बोला कल मेरे मन ने मुझे? नहीं सर हमें नहीं पता। मेरे मन ने मुझे बोला कि क्या देने, ये तो अनसिक्योर लोन है, अगर ना भी दिया तो कौन सा कोई कुछ कर लेगा। मेरे मन ने मुझे ये बोला कल। अच्छा हाँ, अगर मैं मन बोल रहा अगर तू एक पैसा भी नहीं देगा तेरा कोई बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा। अनसिक्योर लोन है क्या है कि चिंता लेता है। मैं से मना रहा हूँ, कल से मना रहा हूँ, मान ही नहीं रहा। ठीक है पता नहीं क्यों नहीं मान रहा, आप समझा दो थोड़ा, बात कर रहा हूँ मन से। आप ही बात करेंगे ना? बात कर रहा हूँ मन से अपने। नहीं हम तो सर आपसे बात करेंगे। नहीं नहीं मैं एक बार करा देता हूँ, मन बात कर ले।
हाँ हेलो, हाँ भाई हेलो, मैं इसका मन बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था ना, ये पैसे मैं बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि ये अनसिक्योर लोन है, मेरा देने का मन ही नहीं है। मेरा भी एक मन है, मन बने कर रहा है मेरा देने को। ठीक है सर, इस पे ना एक काम करो, सुनो इसकी मन की बात, मतलब मेरी बात सुनो, इस पर आरटीपी डाल के ना डिस्पोजिशन ऑफ फंड इशू लिख दो, चमका दो फंड इशू है। मतलब लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कस्टमर इंटेंशनली नोट पे, ठीक है? तो यही लिखा जाएगा सर। हाँ लिख देना, लो इससे बात कर लो, लो राजकुमार। हाँ सुन लिया आपने मेरी मन की बात? बेचारा इतना शरारती हो गया ना, मानते ही नहीं किसी की बात। मैंने कब से समझा रहा हूँ, मान जा मान जा, अनसिक्योर अनसिक्योर चिल्ला रहा है कान पे ही। समझ गया आप इसकी बात? तो क्या करना चाहिए मुझे आप बताओ, इसे कैसे समझाऊं मन को। हेलो सर, मैं नोट मैंशन कर देता हूँ। अरे फिर भी मुझे बताओ तो सही, इसे मन को कैसे समझाऊं, मारू पीटू क्या करूं? दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।